करते हुए। रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है, उनका एक व्यू ले लेते हैं। कैश का स्टॉक है रुचित, सीडीएस है लेकिन मजबूती दिखा रहा है, कैसा लग रहा है इसका तकनीकी स्ट्रक्चर? जो लिस्टिंग के बाद देखे तो एक कंसोलिडेशन फेज था पहले, बट लेकिन पिछले दो तीन महीने में स्टॉक में काफी अच्छा करेक्टिव मूव देखने मिला है। अब ये हो रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में और पिछले कुछ दिनों पहले देखे तो ये स्टॉक में एक अपमूव आया, तो 30 मई को उन दो ट्रेडिंग सेशन में अपमूव में वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए हैं और एक फॉलिंग ट्रेंडलाइन का ब्रेकआउट भी देखने मिला है। तो यूजुअली जब अपमूव में वॉल्यूम्स हो रहे तो ये काफी पॉजिटिव साइन है, तो हमारा मानना है कि यहां से एक पुल बैक मूव ये स्टॉक में हो सकता है और ये स्टॉक 325 से 330 का रेंज नियर टर्म में आने वाले दिनों में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो 300 से 325 तक ये स्टॉक जा सकता है, 325 यानी यहां से लगभग 25 रुपए की अपसाइड और एक्सपेक्ट कर रहे हैं रुचित। चलिए इसी के साथ ही छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं, रुचित हमारे साथ बने रहेंगे अगले शो। रुचित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार राय लेते हैं, उसका राजेश पलविया भी हमारे साथ होंगे, सीबी भौमिक होंगे, राजेश सतपुते भी होंगे, इन सबसे बातचीत करेंगे ताकि शुक्रवार के दिन भी मुनाफा पूरी तरह से बन जाए। रुचित शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये 820 दूसरा 850, एक तो मेरे को जरा ये बताइए कितने बड़े रेजिस्टेंस होंगे आज के लिए जो बचे हुए टाइम है। दूसरा, अगर मार्केट के पास सपोर्ट है तो क्या 780 आज ब्रेक नहीं होगा? जी नमस्ते डिम्पी। नमस्ते डिम्पी, क्लियरली अगर हम ये पूरे वीक का एनालिसिस करें तो इस पूरे सप्ताह में बाजार ने इंडेक्स फ्रंट पे कंसोलिडेशन फेज ही देखा है, यहां पे स्टॉक स्पेसिफिक ही मोमेंटम रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि आखिरी दिन भी है इस सप्ताह का, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में कोई डायरेक्शनल मूव पूरे दिन में आएगा। आई थिंक हमें ये जो रेंज आपने कही कि 780 का सपोर्ट है और ऊपर 820 और 850 के रेजिस्टेंसेज है, आई थिंक इंडेक्स फ्रंट पे हम इसी दायरे में ट्रेड करते हुए देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशंस। अब जनरली जब इंडेक्स को रेंज बाउंड बन जाता है तो उसमें ट्रेडिंग ऐसे की जाती है कि जब भी लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आता है, जब सपोर्ट के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए, और जब हायर एंड पे आता है रेंज की तो वहां पे बिकवाली करनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये रेंज के बाहर इंडेक्स नहीं निकलेगा तब तक कोई बड़ी डायरेक्शनल मूव देखने नहीं मिलेगी। तो मेरी हमारी सलाह है कि यहां पे जो अगर आप इंडेक्स पे ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो ब्रेकआउट का वेट कीजिए, या तो 780-770 के नीचे ब्रेकडाउन आने दीजिए या तो 850 के ऊपर ब्रेकआउट आने दीजिए। और अगर आप डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर्स हैं जिन्हें इस रेंज का फायदा उठाना है, तो क्योंकि आप मार्केट लोअर एंड के नजदीक है तो यहां पर खरीदारी करें, 10,770 एक स्टॉप लॉस बनाए रखें। वैसे सपोर्ट 780 है बट मैं सेफ्टी के लिए 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस दे रहा हूं, 10,770 का स्टॉप लॉस रखें और जो हायर एंड है 10,850 उसका टारगेट रखें। ठीक है, इंडेक्स पे रहा है। रुचित आपके मेरे को शेयर्स भी बता दीजिए, जरा आप मेरे को शेयर्स भी बताइए, आपके शेयर्स कौन से हैं? सिर्फ दो स्टॉक्स है जिसमें मोमेंटम पॉजिटिव साइड है, एक तो गोदरेज इंडस्ट्रीज। हम अगर लाइन चार्ट देखे, क्लोजिंग बेसिस के चार्ट देखे तो काफी समय बाद एक फॉलिंग ट्रेंडलाइन का ब्रेकआउट इस स्टॉक में क्लोजिंग चार्ट्स पे देखने मिला है। तो यूजुअली जब क्लोजिंग चार्ट्स पे ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं तो ऐसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती है। तो करंट लेवल्स में गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है, 589 रुपये के स्टॉप लॉस है और 654 रुपये के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है इसमें। और सेकेंड है यूपीएल, काफी अर्से से इवन यूपीएल एक रेंज बाउंड स्टॉक रहा है, अब देखे तो जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वहां से हमें आज इसमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने मिल रही है। जो कल के ट्रेडिंग सेशन में या जो मैं कहूं कि डेली बेसिस पे जो एवरेज वॉल्यूम्स हो रहा है वो वॉल्यूम्स आज इसने कुछ 11 बजे की तकरीब भी क्रॉस कर लिए थे, तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि सपोर्ट पे बाइंग हो रहा है स्टॉक में। तो यूपीएल में खरीदारी करें 682 रुपये के स्टॉप लॉस से 740 के टारगेट के लिए। 682 का स्टॉप लॉस, 740 का टारगेट है यूपीएल पे, एक बार ध्यान रख सकते हैं। एक तो ये आपकी कॉल हो गई है, इसके अलावा सुमित की ध्यान रखें, यूपीएल का लेवल ऑलमोस्ट मैच ही कर रहे हैं तो टारगेट उनका भी करीब 740 के आसपास ही आके बन रहा है, राजेश जी का भी। तो सारे के सारे सौदे आपके यहाँ पे पूरे हुए, उम्मीद करते हैं कि बेहतर ट्रेड आपको जरूर देखने मिलेगा। अच्छा रुचित, एक और चीज है, जरा मेरे को बैंक निफ्टी के बारे में और बताइए, क्या कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ होगा या फिर ये भी रेंज में रहने वाला बैंक निफ्टी? क्योंकि बैंक निफ्टी में देखे तो एक राइजिंग ट्रेंडलाइन पिछले दो महीने से बनी हुई है और अब तक ये राइजिंग ट्रेंडलाइन का सपोर्ट जो है वो सपोर्ट अभी तक बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। अब अगर कंस्टिट्यूएंट्स में देखें, जो कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है, जिन्होंने पिछले 5-6 महीने में एक तेजी का माहौल बनाए रखा तो उसमें अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ये सारे एक पॉजिटिव साइंस है कि बैंक निफ्टी में हैवी वेट जो है वो अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव रुझान ही रहेगा।
हाँ जैसे डायरेक्शनल मूव तो जब तक ब्रेकआउट इधर साइड नहीं आता है तब तक कोई डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। इस सप्ताह में दो बार ऐसा हुआ है कि 26,770 का लेवल ये बैंक निफ्टी ने छुआ लेकिन क्रॉस नहीं किया। तो 26,770 जिस दिन ये लेवल का ब्रेकआउट आएगा उसके बाद हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड का फिर से रिजम्पशन हो चुका है। तो अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो 26,770 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद ले, एग्जिस्टिंग कोई लॉन्ग पोर्शन है तो उसको होल्ड रखे और उसमें 26,350 का एक स्टॉप लॉस रखे। ठीक है, अच्छा सारे सौदे हमने समझ लिए, इंडेक्स समझ लिया, शेयर समझ लिया, लेकिन कई बार जब ऑप्शन नहीं होता ना तो थोड़ा खाली खाली सा लगता है कि हाँ एक ऑप्शन तो होना चाहिए। तो रुचित एक काम आपने कीजिए, आप चाहे कोई इंडेक्स का ऑप्शन दे दीजिए या तो कोई स्टॉक्स का ऑप्शन दीजिए, लेकिन थोड़ा पक्का हो कि हाँ ये अच्छा चल जाएगा, अच्छा मूव हमको मिल सकता है, तो कोई ऑप्शन का ट्रेड और सोचाइए आप हमको, इंडेक्स और स्टॉक कोई भी मर्जी दे सकते हैं वो ऑप्शन। आई थिंक अगर ऑप्शंस में जाना है तो इन्फोसिस का देख सकते हैं ऑप्शंस में खरीदारी के लिए। ये स्टॉक का नो कंटिन्यूसली हमने इसमें आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों से देखने मिला है और अभी भी आप देखेंगे तो ऑल्दो एक काफी अच्छे रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है बट अभी भी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो आई थिंक ये आईटी फार्मा ये दो सेक्टर है जिसमें ये महीने में मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। फार्मा में ऑलरेडी काफी अच्छी मूव आ चुकी है तो आई थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा डिक्लाइन आता है तो वहां पे अच्छी फेवरेबल बनेगी, लेकिन आईटी क्षेत्र में अभी भी काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे के मोमेंटम बिल्टअप रह सकते हैं। तो 1260 रुपये का कॉल ऑप्शन इन्फोसिस का जो यहाँ पे आई थिंक तकरीब 12 से 12:15 के बीच में ट्रेड कर रहा है उसमें आप खरीदारी करें, 5 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखें और पॉसिबल है ऊपर 22 से 23 रुपये के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। 23 रुपये का टारगेट, 5 रुपये का स्टॉप लॉस, 12 में आपको खरीदना है, स्ट्राइक है 1260 की इन्फोसिस वाली कॉल। 1260 की इन्फोसिस की कॉल के अंदर आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, 27,000 शेयर इसके ओपन इंटरेस्ट से घटे, इसका मतलब जो लोगों ने मंदी खेल रखे है इन्फोसिस के अंदर कम से कम अगले 20 रुपए के लिए वो धीरे धीरे करके इससे बाहर आ रहे हैं। 1260 की स्ट्राइक की कॉल 12 रुपए में मिल जाएगी, 23 का टारगेट डबल हो जाएगा, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 50% नीचे का स्टॉप लॉस बनता है, आप इस कॉल के साथ भी आ सकते हैं। आज मंदी के पहले सिग्नल है जो कटे हैं और उसके ऊपर की कॉल के भी कट रहे हैं, 1280 के भी अंदर भी मंदी आज कट रही है, तो ये दोनों चीजें आपके हक में आती हुई दिख रही है। तो आप इन्फोसिस पे एक 1260 की कॉल पे एक बार ट्रेड ले सकते हैं। रुचित बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज के सौदे। आप सीधा मृत्युंजय के पास